हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों अध्याय 13 ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ठीक है, वह चैप्टर हम लोग अपना अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय जो है, इस अध्याय में समांतर रेखा के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा को किस प्रकार हम खींच सकते हैं प्रकार की सहायता से, ठीक है, कोण बनाकर किस तरह से हम खींच सकते हैं, यह हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ एक लाइन और इसके समांतर एक लाइन और ऐसी रेखा खींचते हैं। तो समांतर रेखा वह रेखाएं होती हैं, ठीक है। समांतर रेखा यहाँ पर एक रेखा है और उसके सामने हमने दूसरी रेखा को खींचा है, तो इसके समांतर हमने रेखा खींचा है। और समांतर रेखा वो रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, यानी ये आगे बढ़ते चली जाएगी रेखा, ये आगे बढ़ते चली जाएगी रेखा, लेकिन ये कभी भी आपस में जाकर नहीं मिलती है। और इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा मैंने ऐसे खींची, तो यह रेखा भी एक दूसरे के समांतर है। ये आप रेखा को कितना भी बढ़ाइएगा आगे, ये आपस में आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगी, और इनकी बीच की दूरी भी हमेशा समान होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, तब ऐसी दो रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि अगर एक रेखा दी गई है तो उसके समांतर हम किस तरह से रेखा को खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्याय को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा को खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रेखा ली है, ठीक है, यह देखिए यह एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या बच्चों, बी मान लिया, ठीक है। तो यह है हमारी एक सरल रेखा ए बी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारी रेखा है, सरल रेखा ए और बी, इस रेखा की बाहर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, ठीक है। और इस पॉइंट पी से गुजरती हुई एक हमें सरल रेखा बनानी है जो कि ए बी रेखा के समांतर हो। तो हमें क्या करना है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस ए बी रेखा पर, ठीक है, हम एक बिंदु लेंगे और एक पॉइंट लेंगे। मान लीजिए हमने यह पॉइंट ले लिया और इसे मान लिया हमने क्या, क्यू मान लिया, ठीक है। हमने ए बी रेखा पर एक बिंदु लिया जिससे हमने क्यू मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पी और क्यू को स्केल से मिला देंगे। तो यह पी और क्यू को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस तरह स्केल से इसको मिला देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने ए बी रेखा पर एक क्यू पॉइंट लिया, जो बाहर स्थित पी बिंदु है उससे हमने पी और क्यू पॉइंट को मिला दिया। अब देखिए पी और क्यू को हमने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी त्रिज्या का एक हम चाप खींचेंगे, ठीक है। कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए और उसका चाप हम क्यू को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। किसको केंद्र मानकर, क्यू को। तो हमें, मैंने त्रिज्या ले लिया है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से किसी भी त्रिज्या का लेकर हम, देखिए इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, यह ऐसे करके हम इसका इस तरह से चाप खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से क्या किया, एक त्रिज्या लिया और उस त्रिज्या का मैंने क्यू को केंद्र मानकर इस तरह से हमने चाप को खींच दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी रेखा पर यह चाप जहां पर काटती है ए बी रेखा को, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे सी। और यह त्रिज्या चाप जो हमने बनाया है, यह पी की पॉइंट पर जहां यहां पर यह काटती, इसे हम नाम दे देंगे इस पॉइंट को डी, ठीक है। तो एक त्रिज्या लेना है, किसी भी त्रिज्या का आप चाप खींच सकते हैं क्यू को केंद्र मानकर। तो क्यू को केंद्र मानकर जब हमने चाप खींचा, तो ए बी रेखा को जहां यह चाप काटती उसे सी पॉइंट नाम दिया, और पी क्यू रेखा को चाप यह जहां काटती उसे हमने क्या नाम दिया, डी नाम दिया, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जिस त्रिज्या का चाप हमने यहां पर खींचा है, ठीक है,
जिस त्रिज्या का चाप हमने यहाँ पर खींचा है क्यू को केंद्र मानकर, अब हम उसी त्रिज्या का नाप, यानी कि आपको त्रिज्या को बदलना नहीं है, ये जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या का चाप हमने यहाँ खींचा है, ठीक इसी को लेकर हम अब क्या करेंगे, इस पी को केंद्र मानकर एक चाप हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे खींचेंगे, देखिए ठीक है, एक चाप क्या करेंगे देखिए बच्चों, इस तरह से करके उसी त्रिज्या का चाप हम जो है इस तरह से हम यहाँ पर खींचेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या करना है बच्चों, इस तरह से आपको एक चाप यहाँ पर क्या कर देना है, इस तरह से खींच देना है, ठीक है, इस तरह से हमने उसी त्रिज्या का चाप यहाँ पर खींच दिया। अब यह त्रिज्या जो पी को केंद्र मानकर हमने चाप को खींचा है, यह पीक्यू को जहां पर काटती है, इसको क्या नाम दे देंगे बच्चों हम लोग, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग जी, ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हमने जी नाम दे दिया। बच्चों क्या करेंगे, यह जो चाप हमने खींचा है, ठीक है, यह जो चाप हमने बच्चों खींचा है, इसको क्या करेंगे, इस वाले यहाँ के पॉइंट को हम ई नाम दे देंगे और इस वाले पॉइंट को हम एफ नाम दे देंगे, ठीक है, ई और एफ, इस वाले पॉइंट को ई और इस वाले पॉइंट को एफ, और पीक्यू को जहां पर यह चाप काटती इसे हमने क्या नाम दे दिया, जी नाम दे दिया। हाँ, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें क्या करना है, सी और डी, यह जो सी और डी चाप है, ठीक है, सी और डी चाप की लंबाई हमें, उस लंबाई का नाप लेना है, ठीक है, सी और डी के चाप की लंबाई का हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट को रखा और इस तरह से मैंने इसका लंबाई ले लिया, ठीक है, पहले वाले त्रिज्या का हमें लेकर नहीं चलना है, ठीक है, उस त्रिज्या का तो हमने यहाँ पर एक चाप खींचा था और इसको केंद्र मानकर एक चाप खींचा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, सी और डी जो चाप है इसकी लंबाई लेनी है हमको। तो यहाँ पे सी पे पॉइंट रख के आप देखिए इस तरह से डी का हम यह देखिए ठीक है, सी और डी की जो यह चाप की लंबाई है हम इस तरह से ले लेंगे और इस चाप की लंबाई को यह जी को केंद्र मानकर हम यहाँ पर इसको इस तरह से काटेंगे। देखिए इस तरह से क्या किया बच्चों हमने, इस तरह से इसको कट किया, ठीक है, किसको केंद्र मानकर, जी को केंद्र मानकर हमने सीधी चाप की लंबाई लेकर इसको इस तरह से कट किया, ठीक है, इस तरह से इसको कट करने के बाद इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लिया बच्चों हमने, एच मान लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि यह एच पॉइंट और पी पॉइंट को हम जोड़ेंगे, ठीक है, एच पॉइंट और पी पॉइंट, तो देखिए हमारा एच पॉइंट जो है बिल्कुल यहां पर इस तरह से बना है, ठीक है, एच पॉइंट हमारा इस तरह से ऊपर बना है, तो हम पी पॉइंट को और एच पॉइंट को, देखिए हमारा पी पॉइंट और एच पॉइंट है, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे जोड़ते हुए। तो देखिए एच पॉइंट और यह पी पॉइंट को हमने इस तरह से लाइन खींच दिया जोड़ते हुए, यह हमारा रेखा जो है यह एबी रेखा के समांतर रेखा हो गया, ठीक है, तो एबी रेखा के समांतर यह हमारा रेखा हो गया और इस रेखा को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स और वाई, ठीक है, इस रेखा को क्या नाम दे दिया हमने, एक्स और वाई रेखा। तो ये सारा चरण है, तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, तो मैं सारे पॉइंट्स को एक एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले एक सरल रेखा हमें एबी लेना है, एक पॉइंट हमें पी बाहर ले लेना है, एबी रेखा पर एक पॉइंट हमें क्यू कहीं भी ले लेना है, ठीक है, फिर पी और क्यू को क्या करना है हमें, लाइन को पॉइंट से पॉइंट को एक रेखा बनाकर जोड़ देना, ठीक है, फिर हमें किसी भी त्रिज्या का एक चाप क्यू को केंद्र मानकर इस तरह से चाप खींचना है, ठीक है, जिस तरह से चाप खींचना, एबी को जो यहां काटेगा वो सी पॉइंट है, पीक्यू को जहां काटेगा वह डी पॉइंट है, ठीक है, उसी त्रिज्या का चाप हम क्या करेंगे, पी को केंद्र मानकर एक इस तरह से चाप बनाएंगे, ठीक है, या पीक्यू को जहां पर काटेगा उसे जी पॉइंट देंगे और उसके एंड पॉइंट को, आखिरी पॉइंट को, बिंदु को हम ई और एफ नाम दे देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सी और डी की जो लंबाई का चाप है, जो चाप है उसकी लंबाई लेनी है, प्रकार से हम उसकी लंबाई नाप लेंगे और नाप कर उसी त्रिज्या का हम इस जी को केंद्र मानकर यहाँ पर इस तरह से इस ई और एफ को काटेंगे, ठीक है, ई और एफ को जहां पर यह चाप काटेगा उसको हम एच पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, अब यह एच पॉइंट और पी पॉइंट को हम एक रेखा से इसको क्या करेंगे, हम खींच देंगे, ठीक है, तो यह जो रेखा होगी वह ए बी रेखा के समांतर रेखा होगी।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 13.1। उसका पहला प्रश्न है आर, ठीक है। आर एक कोई पॉइंट है। एमएन रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। आर से गुजरती एमएन रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा खींचे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक रेखा ले ली है एमएन, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ एम एन रेखा मैंने यहाँ पर एक खींच दी है। अब क्या कह रहा है, आर जो है एक पॉइंट है, रेखा की बाहर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया बच्चों, आर मान लिया हमने इसको, मान लिया आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला चरण क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या, ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे जो हमें रेखा एम एन दी हुई है, उस रेखा पर हम क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हमने एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने क्यू, ठीक है। इस बिंदु को नाम रख दिया हमने क्यू। अब हमें क्या करना है, आर बिंदु को और इस क्यू बिंदु को, यानी इस दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है बच्चों, इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करना है बच्चों, हमें किसी भी त्रिज्या का चाप खींचना है क्यू को केंद्र मानकर। तो मैंने एक त्रिज्या ले लिया है, यहां पर देखिए मैंने एक त्रिज्या ले लिया है। अब हमें क्या करना है, एक त्रिज्या हम ले लेते हैं और क्यू को केंद्र मानकर हम क्या करते हैं बच्चों, एक हम इस तरह से चाप खींचते हैं जो एम एन रेखा को काटे और इधर जो है बच्चों क्यू आर रेखा को काटे, ठीक है। तो देखिए एक चाप ले लिया मैंने, उस चाप से क्या किया, क्यू को केंद्र मानकर मैंने एक चाप खींच दिया जो आर और क्यू रेखा को एक पॉइंट पे काटेगा, एम एन रेखा को दूसरे पॉइंट पे काटेगा। अब इसी त्रिज्या का नाप लेकर आपको क्या करना है, आर को केंद्र मानकर क्या करना है, केंद्र मानकर हमें क्या करना है, इस तरह से, यह देखिए इस तरह से क्या करना है बच्चों, इस तरह से हमें एक चाप यहाँ पर इस तरह से हमें खींच देना है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से खींच दिया। अब क्या करना है बच्चों, एम एन रेखा पर, ठीक है, जहां पर यह चाप काटती है इसे हम क्या मान लेंगे, पॉइंट। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने मान लिया सी और आर और क्यू को जहां पर काटेगी इसे हमने मान लिया डी, ठीक है। आर को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या को नाप से लेकर हमने एक यहां पर चाप खींचा है, तो इस पॉइंट को जहां पर आर और क्यू पर यह कटता है इसको हमने पॉइंट मान लिया जी, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने इस चाप का मान लिया ई और इस पॉइंट पर हमने मान लिया इसको एफ, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है। क्या है दूसरा स्टेप, एक चाप लेना है, त्रिज्या का चाप लेकर हमें क्यू को केंद्र मानकर एक चाप यहां खींचना है और आर को केंद्र मानकर इस तरह से हमें चाप खींच देना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, हमारा तीसरा स्टेप यह है कि हम यह सी और डी के चाप की जो है हम लंबाई को लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लंबाई नापेंगे, सी पॉइंट पर हम प्रकाल को रखेंगे और डी की लंबाई इस तरह से थोड़ा अधिक है इसको कम करके हम इस तरह से डी पॉइंट की लंबाई को देखिए, यह पेंसिल का नोक डी पॉइंट पर जाना चाहिए और प्रकाल का नोक सी पर, ठीक है। प्रकाल का नोक सी पर, यह हमारे देखिए सी पर पॉइंट और पेंसिल का नोक यहाँ डी पर पॉइंट इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सी और डी चाप की लंबाई ले ली, ठीक है। इसके बाद हम इसको, इस चाप की लंबाई को हम जी को केंद्र मानकर हम ई और एफ को इस तरह से काटेंगे। देखिए ई और एफ को हमने इस तरह से यहाँ पर काट दिया, ठीक है। तो यह जो पॉइंट है बच्चों, यह पॉइंट जो कटा इसको हमने मान लिया बच्चों, इस पॉइंट को मान लिया हमने एच। क्या मान लिया हमने, एच मान लिया पॉइंट को। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यह जो पॉइंट एच है, यह जो पॉइंट एच है और आर को हम मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए एच पॉइंट और आर पॉइंट को हम इस तरह से मिलाते हैं तो यह हमारा एक सीधी रेखा इस तरह से खींच जाएगी, यह देखिए, ठीक है। और यह हो गया हमारा एक्स और यह हो गया हमारा रेखा वाई, ठीक है। तो देखिए यह रेखा जो है बिल्कुल एम एन रेखा के समांतर रेखा खींच गई है और इस तरह से हम समांतर रेखा दूसरी रेखा के सामने खींचेंगे। तो इस तरह से यह प्रश्न हल होगा।